मन बात सेक्टर बाते स्पेस् को प्रधानमंत्री का प्राधान्य मोदी तेइस अगस्तले आमे प्रथम थर नेशनल स्पेस डे पालन कले चंद्रजान तीन र सफलता नै सबुआडे खुसी माहौल देला गालाक्स आई सृष्टि आइआइटि सह कथा कथाहेला ହାଇ ପରଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ହାଇ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଏବେ ବିକଶିତ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବାକୁ ଯୁବବର୍ଗ मन बलाउँदै स्टार्टअप क्षेत्र क्षेत्रले युवती म भल कम गरुन् मो पार्क चिठी ए मेल् माध्यमे अनेक मतामत आसु अनेक युवक राजनीति प्रवेश गरि करी सेवा को चाहन्छ प्रत्यक्ष राजनैतिक परिवारहरू केही को आसन्तुन ए परिवारवाद प्रतिभा को दमन गरु जुवक सठिक मार्गदर्शन आवश्यकता रहेछ हर घर त्रिरङा अभियान सफल हुन्छ घरे घरे त्रिरङा उडि जम्मुकाश्मीरे विशाल त्रिरङा जा देशप्रति बड समान दर्शाइला अरुणाचल प्रदेश र जुव पशुप्रेमीको प्रशंसा गरिन्छ मोदी थ्री डि पेन्टिङ गरुवक पशु थ्री डि पेन्टिङ गरुवक पशु शिकारु निवृत्त पा क्षमा पशु शिकारु निवृत्त पनि लोक सचेतन गरुन परिवेशर सुरक्षा दिगरे रिड्युस रिसाइकल रियूज को गुरुत्व तो दिया जाउछी परिवेशर सुरक्षा दिगरे रिड्यूस रिसाइकल रियूज गुरु तो को गुरुत्व दिया जाउछी इको कार्य द्वारा बर्ज वस्तुर सु विनियोग होइ पारुछी बोली पीएम कहिछन्ते सदीकी कितना ही कुछ ऐसा हो रहा है जो विकसित भारत के नींव मजबूत कर रहा है जैसे तेईस अगस्त को ही हम सब देशवासियों ने पहला नेशनल स्पेस डे मनाया मुझे विश्वास है कि आप सब ने इस दिन को सेलिब्रेट किया होगा एक बार फिर चंद्रयान तीन की सफलता का जश्न मनाया होगा पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान तीन ने चांद के दक्षिणी हिस्से में शिव शक्ति पॉइंट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी भारत इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना साथियों देश के युवाओं को स्पेस सेक्टर रिफॉर्म से भी मेरे साथ बात करने के लिए स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई की टीम जुड़ रही है इस स्टार्टअप को इस साल मैंने लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले एक लाख युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ने का आवाहन किया है मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है इसे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं। बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है इस विषय पर मुझे देश भर के युवाओं के पत्र भी मिले हैं सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं। कुछ युवाओं ने पत्र में लिखा है कि उनके लिए वाकई अकल्पनीय है दादा या माता पिता की कोई राजनीतिक विरासत नहीं होने की वजह से वो राजनीति में चाहकर भी नहीं आ पाते थे कुछ युवाओं ने लिखा कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है इसलिए वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं कुछ युवाओं ने यह भी लिखा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन कर देती है कुछ युवाओं ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी मैं इस विषय पर सुझाव भेजने के लिए हर किसी का धन्यवाद करता हूँ जदि तबे तेज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं।